शांति एंड लाभ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधानमंत्री, मैं अपने सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सब हमारे बीच में हैं। Just keep my phone number. आप सब अपने जिस कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए लगातार जिस तरह से आपने हाथरस की बेटी का के लिए न्याय की इस लड़ाई में लगातार आप पूरी जिम्मेदारी से लगे रहे हैं, उस लड़ाई को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार लड़ना है। आज उसी विषय में हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद सुप्रिया सुष्मिता देव जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने लगातार महिलाओं के मुद्दे पर देश के कोने कोने में जाकर उनकी आवाज को उठाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ नेता आदरणीय रजनी पाटिल जी, पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। CWC के मेंबर भी हैं वो, और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी का स्वागत और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से करना चाहती हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारी दो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और मैं बहुत समय ना लेकर के मैं सीधे प्रेस वार्ता को शुरू करने के लिए यहाँ पे मौजूद महिला कांग्रेस की अखिल भारतीय अध्यक्षा सुष्मिता देव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी, हमारे विरोधी पक्ष की नेता मोना आराधना मिश्रा जी और हमारे महिला कांग्रेस की दो बहनें जो यहाँ पे मौजूद है, आप सभी को मेरा नमस्कार। हाथरस के पीड़िता को समर्थन और उनके परिवार को सहानुभूति देने के लिए हम सब यहाँ पे देश के कोने कोने से आए हुए हम यहाँ पे आए हैं, और इस हाथरस के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का सच्चा चेहरा सामने आ गया है। जो मानसिकता है उनकी विकृत मानसिकता, उसको उजागर करने का काम ये घटना करती है। मुझे सिर्फ दो तीन चीज़ों के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना है। मैंने जब आज यहाँ आके सुना, कल रात से चल रहा है, कि बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं रंजीत श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत ही घिनौना, घृणास्पद और बहुत ही गलत विकृत बयान दिया है महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। और उन्होंने ये बोला कि हाथरस की घटना के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला है कि लड़कियां गन्ने के, बाजरे के या चने के खेत में क्यों जाती है, क्यों मिलती है, क्यों नहीं वो जाती धान के खेत में। यही दर्शाता है उनका मानसिकता का स्वरूप। बीजेपी का अगर असली चाल चरित्र और चेहरा आप जानना चाहते हैं
तो ये जो लोग हैं रंजीत श्रीवास्तव जैसे, ये लोग ही ये बयान देते हैं, उनकी बयान ही साक्षी है कि इनका सही मायने में चरित्र, चाल और चेहरा क्या है। मैं यहाँ पे आई हूँ महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र जाना जाता है शिवाजी छत्रपति महाराज के लिए। हमारे बचपन से हमने यही सुना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज शत्रुओं के बीबियों को भी माँ बोल के पुकारते थे, ये हमने सीखा है। पहली बार ये देखा कि हमारे घर की, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, हमारे प्रदेश की लड़कियों के लिए यहाँ पे अगर इस तरह से गलत बयान करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही धिक्कार करने वाली ये बात है। अनाप शनाप अगर बोलते हैं तो आज मैं जो लोग बोल रहे हैं अलग अलग, बलिया के जो विधायक हैं उन्होंने भी यही बात कही दूसरे भाषा में, उन्होंने अच्छे संस्कारों की भाषा की कि जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो लड़कियों के साथ ऐसे नहीं किया जाता, रेप नहीं होता है। तो उसका कहना ऐसा है कि संस्कार अगर नहीं अच्छे होंगे तो ये कौन से संस्कार ये दर्शाते हैं, कौन से संस्कार उनके ये बोलते हैं। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि लड़कियाँ या बच्चियाँ अकेले जाने में सक्षम नहीं होती है, वो न स्त्री स्वातंत्र अर्हती जो हम बोलते हैं उसी को वो मानते हैं, ऐसे करने वाले लोग हैं जो इस स्त्रियों को स्वातंत्र का अधिकार नहीं, इसके ऊपर उनका पूरा विश्वास है, ऐसे लोग हैं। और ऐसी मानसिकता से ही कुलदीप सेंगर जी या चिन्मय दास जी ऐसे भारतीय जनता पक्ष के लीडर यहाँ पे इतने बड़े पैमाने में पहुँच गए। आज इस लाचार कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण के चलते महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, चाहे उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, चाहे गुजरात का नलिया कांड हो, सब जगह पे अत्याचार ही अत्याचार सुनने आते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके समर्थन में नीचे उतरे हैं, रास्ते पे उतरे हैं, उनका समर्थन करते जा रहे हैं। आज जो राजीव पहलवान जो है, जो हाथरस का पूर्व विधायक था, वो भी इनके आरोपियों के समर्थन पे रास्ते पे आ गया है, ये क्या दर्शाता है ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ। और आज उत्तर प्रदेश का अगर हम सुनेंगे तो ये आलम हो गया है कि प्रशासन और पुलिस पीड़िता के बजाय आरोपियों के साथ खड़े हैं। पूरी व्यवस्था उन लोगों के पक्ष में है जिनके ऊपर जघन्य अपराध किए जाने के आरोप है, और वह लोग इकट्ठे होकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को दबाया डराया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का राहुल राज आज खुल के सामने आ रहा है, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। इतिहास गवाह है साथियों कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो लोग खड़े उठते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। और एक आधी घटना आपको मालूम है इतिहास में ऐसे ही पुराने इतिहास में हुआ है, आपने अगर देखा होगा कि ऐसी एक घटना घटती है कि जिससे पूरे के पूरे राज चले जाते हैं। मैं यही सचेत करना चाहती हूँ कि महाभारत काल से अगर महिलाओं के ऊपर अगर कोई अत्याचार हुआ तो लोग जाग उठे हैं, चाहे द्रौपदी हो। हमारे इंदिरा जी गांधी के लिए आपको मालूम है जब उनको न्यायालय हिरासत में लिया था और जब पकड़ा था तो लोग जाग उठे थे। और परसों की घटना है जब हाथरस की पीड़िता के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब रास्ते पे उतरी और यहाँ आने के लिए निकली तो राहुल गांधी जी के साथ भी धक्का मुक्की करने का काम यहाँ पे हुआ है, और ना केवल उनके साथ लेकिन प्रियंका जी के साथ भी बदसलूकी करने का काम यहाँ पे हुआ है। मैं यही सचेत करना चाहती हूँ आदित्यनाथ जी को कि अगर ऐसे कभी हुआ है तो आप सचेत रहिएगा, ये लोग कभी माफ नहीं करेंगे। आपको कब उल्ट पलटा के फेंकेंगे आपको याद भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए इसके आगे मैं सुष्मिता जी को विनती करूंगी कि इस केस के जो डिटेल्स है उसको आपके सामने उजागर करने की वो कोशिश करेंगे। सुष्मिता जी धन्यवाद। रजनी पाटिल जी, यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरे मीडिया के दोस्तों, आपके बीच हम पहली बार नहीं आए हैं। मेरे साथ सुप्रिया जी, रजनी पाटिल जी, आज आराधना जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए इस प्रेस मीट को हमने बुलाया है। मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से
हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और आराधना जी लगातार प्रेस मीट कर रहे हैं, और आज हम महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी जी के आदेश से दिल्ली से यहाँ एक प्रेस मीट इसलिए करने आए हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल की सुनवाई हुई। आप सबने आज सुबह अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में हाथरस घटना के खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, पर सबसे आश्चर्यजनक घटना ये है, मैं कई चैनल्स पे अभी देख रही थी कि आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से जो एफिडेविट इस पीआईएल में दर्ज हुआ, जिसको बार बार लगातार हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, उसमें सरासर सफेद झूठ से आदित्यनाथ की सरकार ने उस एफिडेविट को भर दिया है। मैं आपको संक्षेप में कहूंगी कि कितनी अजीब घटना है कि एक पीआईएल फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नोटिस होने से पहले 136 पन्ने का एक एफिडेविट आदित्यनाथ जी की सरकार डाल देती है। क्यों डाल देती है? उस एफिडेविट का प्रमुख उद्देश्य हाथरस की घटना की सच्चाई को निकालने के लिए नहीं, हाथरस की बेटी की जो हत्या हुई, जो बलात्कार हुआ, जो उसके बाद उसके परिवार के साथ हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, पर उस एफिडेविट का एक ही मूल उद्देश्य था कि आदित्यनाथ सरकार को बचाया जाए। और अगर सच्चाई का साथ आदित्यनाथ जी देते तो हम कहते कि ठीक है, एफिडेविट को हम मानते हैं, पर सफेद झूठ से इस एफिडेविट को भर दिया है। आप सबके माध्यम से हमने टेलीविजन चैनल पे देखा किस तरह से 2:30 बजे सुबह हाथरस की बेटी के पार्थिव शरीर को, जो एक शायद जानवर के साथ भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से पायर पे रख के केरोसिन डीजल से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जला डाला। उस हाथरस की बेटी की माँ हाथ जोड़ के रोती रह गई, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और आज इस 136 पेज के एफिडेविट में, 136 पेज के एफिडेविट में आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए। पूरा देश आपको देख रहा है, आपने ओथ पे, शपथ पे कह दिया है कि उसका अंतिम संस्कार हर उस रीति रिवाज को मानते हुए उसके माता पिता के कंसेंट के साथ हुआ, जो पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के मेरे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आप लोग ये सुनिए कि इंडिया गेट में मोदी सरकार ने प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं दिया तो जंतर मंतर में हुआ, किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि नहीं यूपी में, मुझे नहीं पता। पर हाथरस की घटना के ऊपर आक्रोश आज देश भर में है, और जिस तरह से उसको उसका अंतिम संस्कार हुआ उसको लेकर आक्रोश है, और आदित्यनाथ जी ने सरासर झूठ इस एफिडेविट में बोला है। दूसरा झूठ ये कहती है इस एफिडेविट में, मोना जी आप बाद में बेशक इनको कॉपी दे देना, यहाँ पे कहती है कि दो फोरेंसिक टेस्ट हुआ 22 सितंबर के बाद। ये मोना जी, आराधना जी बार बार ही बोल चुकी है कि इतना विलंब क्यों हुआ फोरेंसिक टेस्ट के लिए, जब किया भी तो, जब 22 तारीख को किया भी तो सेक्सुअल असॉल्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन, आदित्यनाथ की सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं। पूरा देश जानता है कि हाथरस की पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि मेरा सिर्फ रेप नहीं, मेरा सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, और आदित्यनाथ की सरकार जहां एफिडेविट में कह देती है कि रेप का कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रिया जी आपको विस्तारित रूप से समझाएंगी, निर्भया कांड के बाद ये यूपीए सरकार की सोच थी कि हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन लेके आए, और आदित्यनाथ की इस निकम्मी सरकार को ये नहीं पता कि अटेम्प्ट टू रेप भी रेप होता है, इसमें कोई फोरेंसिक एविडेंस की जरूरत नहीं होती, सीमेन की जरूरत नहीं होती, एक बच्चे के शरीर में ओनली
मालूम नहीं है। इस एफिडेविट की धज्जियां उड़ाने के लिए आज हम महिला कांग्रेस की तरफ से, AICC की तरफ से उत्तर प्रदेश में आए हैं, और इस झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। जिस षड्यंत्र की बात आदित्यनाथ सरकार कर रही है उसको लेकर मैं सुप्रिया शिरेट जी से निवेदन करती हूँ कि आपको विस्तारित रूप में संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुष्मिता जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ, रजनी पाठक जी के साथ और आराधना मिश्रा जी के साथ इस बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात करने का अवसर मिला, और उससे बड़ा मैं सौभाग्य मानती हूँ कि ये मेरा गृह प्रदेश है और यहाँ पर हम सच की बात करने के लिए आए हैं। और ज़रूरी है कि दो चार चीज़ें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचें, क्योंकि जो काम भाजपा की ट्रोल आर्मी नकाबपोश पहनकर छिपकर करती थी, आज वो कुछ टीवी चैनल, और मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, उनके बारे में बात करेंगे, आज भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम वो बात कर रहे हैं। लेकिन उन सबसे बात करने से पहले हम एक टिप्पणी जरूर देना चाहते हैं। आज सुबह पता चला कि SIT की जो कार्य लिमिट थी वो 10 दिन और बढ़ा दी गई है। तो जो लोग बहुत सीना ठोक कर कहते थे कि त्वरित कार्रवाई होगी और त्वरित फैसला आएगा इस पर, उनके मुंह से नकाब और पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। SIT पहले 7 दिन की थी, अब 10 दिन और बढ़ा दी गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी योगी सरकार ने CBI जांच की भी बात करती, और जहां तक मेरी जानकारी है 12:40 तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एडवोकेट जनरल के यहां से निकलता है CBI जांच का, अभी तक नहीं निकला है। और उसके बाद भी इस एफिडेविट पर, इस हलफनामे पर कहा गया है कि हम CBI की कोर्ट मॉनिटर प्रूफ चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो पहले नोटिफिकेशन इशू कराइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बड़े झूठ बोले गए हैं, और सुष्मिता जी ने उसमें से 2 पर पर्दाफाश किया है। जब उन्होंने बताया कि पुलिस की त्वरित जांच की जो बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 8 दिन बाद रेप की कार्रवाई हुई, 8 दिन बाद फोरेंसिक हुआ, और उसके बाद जो उन्होंने दाह संस्कार की बात करी, हम में से बहुत लोग हिंदू धर्म रीति रिवाज को मानते हैं, और उस सबको ताक पर रखकर कहा गया इस एफिडेविट में कहा गया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट उस दिन आया था इसलिए हमें जल्दबाजी में करना पड़ा। प्रदेश से या देश से कोई भी एक अनहोनी की घटना आई अभी तक सामने इस वर्डिक्ट को लेकर? एक घटना नहीं आई, लेकिन हाथरस में वो घटना घट सकती थी, इसलिए उस बच्ची को मिट्टी का तेल जाल के जला दिया गया और उसको अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, रीति रिवाज का नाम दे दिया गया। जो लोग हिंदू धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं वो ढोंगी हिंदू है, ये मैं आपके और इस मंच से कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपके थ्रू ये जरूर कहना चाहती हूँ, इसमें बड़ी बेचैन करने वाली, परेशान करने वाली बात कही गई है, ये मीडिया में भी चलाई जा रही है, प्रवक्ता लोग भी कह रहे हैं, भाजपा के मंत्री भी कह रहे हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ इस सूबे के मुखिया होकर ये बात कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार को की और मेरी छवि धूमिल करने की एक साजिश रची गई है सोशल मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ सेक्शन और कुछ राजनीतिक दलों में। तो पहले तो मैं 2 बात बता दूं, ना तो उनको 19 साल की बेटी का रेप दिखता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया रेप हुआ ही नहीं। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने तो दूसरे दिन ही कह दिया था रेप तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि सीमन मिला नहीं है। जो 30 साल पहले उनको पुलिस अकेडमी में कानून समझाया गया था उनको आज तक वही याद है। वो भूल गए हैं कि निर्भया कांड के बाद UPA की सरकार ने, जैसा कि सुष्मिता जी ने बताया, 375 IPC की धारा को संशोधित किया था 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ UP वर्सेस बाबुलनाथ, जो कहता है कि सीमन या वीर का मिलना रेप के लिए अनिवार्य नहीं है, पीनस पेनिट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप होता है। इनको अपने मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए, जिस विक्टिम शेमिंग में पूरा प्रशासन और पूरी सरकार और पूरा महकमा लग चुका है। और दूसरी बात अब कहते हैं कि सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों के द्वारा मेरी छवि धूमिल करी जा रही है। इस एफिडेविट के पन्ना नंबर 101 से लेकर 127 तक उन्होंने तमाम अनेक्षर दिए हैं, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग उसको पढ़िएगा। उस अनेक्षर में कुछ लोगों की ट्वीट
का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों के फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों के व्हाट्सएप का जिक्र किया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की ट्वीट का जिक्र किया गया है उनके 900 फॉलोवर्स हैं, किसी के 2000 फॉलोवर्स हैं। सबसे ज्यादा फॉलोवर वाला हैंडल जिसका उन्होंने यहां पे हलफनामे में जिक्र किया है वो 14000 फॉलोवर वाला है। क्या 900 फॉलोवर वाले लोग जातीय हिंसा भड़का सकते हैं इतने बड़े प्रदेश में? क्या 2000 फॉलोवर वाले लोग जातीय हिंसा बढ़ा सकते हैं इतने बड़े प्रदेश में? और आपको अपनी छवि की चिंता है, आपको उस लड़की का दर्द, उस परिवार का दुख नहीं दिखाई देता है, आप अपनी छवि सुधारने में लग गए। तो अगर आप उस दाह संस्कार के बाद कटघरे में खड़े थे, आज आप एक और बड़े कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पन्ना नंबर 125, 126 और 127 को जरूर गौर से पढ़िएगा और अब ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या है। जिस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई, और इसीलिए कहते हैं नकल में अकल की भी जरूरत होती है, उन्होंने जब यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर नामक एक प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पर जो लिटरेचर शेयर हुई थी उसको कॉपी पेस्ट करके बोल दिया ये हमारे खिलाफ हो रहा था, उसमें क्या लिखा है? 125 नंबर पन्ने पे लिखा है, इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। वो अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रहे हैं, यूपी में कौन से अफ्रीकन अमेरिकन हैं? उसके बाद पन्ना नंबर 126 में कहा जाता है, अब वेयर गॉगल्स, गॉगल्स और ये सब अंग्रेजी में है बाय द वे, हिंदी भाषी प्रदेश में दंगा उकसाने की जो बातें करी जा रही है वो खालिस अंग्रेजी में करी जा रही है। वो कहते हैं फॉर प्रोटेक्शन वेयर गॉगल्स, एंड विच काइंड ऑफ गॉगल्स? स्कीइंग एंड स्विमिंग गॉगल्स। हाथरस में कौन बर्फ में स्की करता है और कौन तालाब में उड़ते समय गॉगल्स पहनता है, ये आप मुझे बताइएगा। उसके बाद वो कहते हैं, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, पन्ना नंबर 127 में वो कहते हैं कि जैसा कि सैन डिएगो और फिनिक्स में हुआ, गलत प्रदर्शन में मत चले जाइएगा। सैन डिएगो और फिनिक्स यूएस के दो शहरों के नाम है। और फिर वो कहते हैं कि NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट इन सब रैलीज को फिल्म कर रहा है, उनकी तस्वीरें उतार रहा है, तो बच कर रहिएगा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जहां तक मेरी जानकारी है यूएस के न्यूयॉर्क शहर में है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह की अगर ये दुखद ना होती तो हास्यपद मूर्खता की बातें इस हलफनामे में करी गई हैं। ये अंडर ओथ दिया हुआ एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट को इसको अवमानना माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब बातों के बाद एक से एक झूठ के पुलंदे दिए गए हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करी गई है और अपनी छवि सुधारने की बात करी गई है। प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सूबे के मुखिया को हाथ जोड़कर, जो उनकी पार्टी के लोग लगातार विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, लगातार बच्ची को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बजाय उसके माफी मांगने के वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आराधना जी इसमें जरूर कुछ ऐड करें और उसके बाद हम लोग आपसे सवाल करें। सभी बातें इससे संबंधित मैं पहले भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ और आज काम होना सभी बातें रजनी पाठक जी ने, सुष्मिता देव जी ने और सुप्रिया जी ने नहीं आप बैठ ठीक है ट्रांसफर। सभी तथ्य इस घटना को लेकर, संवेदनशील घटना को लेकर रजनी पाटिल जी ने, सुष्मिता देव जी ने और सुप्रिया जी ने आपके समक्ष रखे हैं और लगातार मैं आपके सामने जो भी तथ्य हैं लगातार समय समय पर रखती रहती हूँ। मैं आज सिर्फ एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी और मैं मानती हूँ कि उसका, उसकी गंभीरता और उसकी संजीदगी को आप जरूर समझें। आज मैंने
अखबार में खबर पढ़ी और जब से मैंने पढ़ी है तब से मैं विचलित हो हुई हूँ और ये सोच रही हूँ कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे की एक मूल वजह संज्ञान में आई और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके समक्ष आना आवश्यक है। महिला आयोग एक वो संवैधानिक बॉडी है जो किसी भी देश में, हमारे देश में और देश के किसी भी प्रदेश में महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा ये बनाया गया था और ये एक संवैधानिक बॉडी है। जब जब कभी भी, आप लोगों को भी याद होगा, जब कभी भी किसी बेटी पर या किसी महिला पर कोई उत्पीड़न होता था तो महिला आयोग पूरी तरह से संवैधानिक बॉडी होने के कारण उस पर संवैधानिक एक्शन ले सकता था। यह अधिकार महिला आयोग के अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को दिए गए थे। सात 6 अगस्त 2020, इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, तारीख नोट कर ली थी, 6 अगस्त 2020 उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। और आज तारीख क्या है? 7 अक्टूबर 2020। 2 महीने पूरे पूरे बीत गए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को अधिकार दिलाने में कितनी गंभीर है। ना ही नोटिफिकेशन हुआ है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और ना ही पुनर्गठन हुआ है। तो जिस महिला आयोग से उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने अधिकार के लिए मांग रखती हैं, अपने सुरक्षा की उम्मीद रखती है, ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा, महिला विरोधी विचारधारा का नतीजा है, प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। जब महिला आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया तो योगी जी के पास ना इतना समय है ना इतनी फुर्सत है कि महिला आयोग के कार्यकाल को या तो बढ़ाते और या उसका पुनर्गठन करते। अब आपको मैं एक कदम आगे ले जाना चाहती हूँ। अगर महिला आयोग का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसके कार्यकाल समाप्त होते ही, क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है, उसका अस्तित्व, उसकी सारी पावर्स समाप्त हो जाती है। अगर महिला आयोग की अध्यक्ष या उसका कोई सदस्य आज चाहे भी तो वो कोई अपनी पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं एक डिबेट में थी और मेरे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष उस डिबेट में मौजूद थी और लगातार उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आप वहां क्यों नहीं गई, महिला आयोग क्या कर रहा है, और वो मौन थी। उस वक्त उनके मौन होने की वजह मुझे नहीं पता थी, आज मुझे उनके मौन होने की वजह समझ गया, क्योंकि ना उनकी आवाज में ताकत रह गई है और ना ही उनकी कलम में ताकत रह गई है कि हाथरस की बेटी और दर्जनों घटनाएं बलरामपुर, कानपुर, आजमगढ़, लगातार अगर बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, ऐसे माहौल में भी
जी, अगर महिला आयोग का अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी शर्मनाक असंवैधानिक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर लगातार हर संवैधानिक बॉडी को समाप्त करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, अगर वहां पे आपने एक बड़ी संवैधानिक संस्था महिला आयोग को भी समाप्त कर दिया, उसके प्रति ये रवैया है आपका, तो उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हो सकती। और अगर आधी आबादी की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते, तो या तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, या महामहिम राज्यपाल को तत्काल ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आप लोग सवाल पूछिए, हम एक चीज जरूर बोलना चाहते हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भयावह शब्द का इस्तेमाल किया और यह उच्चतम न्यायालय ने किया है, और दूसरा एक चुप्पी, इनफैक्ट दो लोगों की चुप्पी जो है वो बहुत ही निंदनीय है, और उस पर जितनी आपत्ति करी जाए, जितनी उसकी भर्त्सना करी जाए वो कम है। यही उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए हैं प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, कहां कहां से ढूंढ कर लोगों को ट्विटर पे लाते और बधाई संदेश देते हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द की भर्त्सना नहीं करी है इसकी। और दूसरी सांसद है स्मृति ईरानी जी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं है, वो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी है। मैडम ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला इस पर, और दूसरों को राजनीतिकरण करने का पाठ पढ़ाती है। तो क्या जब वो प्रदर्शन करती थी सरकार में आने से पहले तो वो ढोंग था? ये जरूर हम बोलने चाहेंगे, और हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं। सुप्रिया जी, सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग हुई है, 50 करोड़ तो अकेले मॉरिशस से आए हैं, और विपक्ष उत्तर प्रदेश को दंगों में जिता रहा है। मैं आपसे और आपके माध्यम से उल्टा सवाल पूछना चाहती हूँ, फंडिंग हुई है, अगर आपके पास इसके साक्ष्य हैं तो आप कार्रवाई करिए, गिरफ्तार करिए लोगों को, और जिस तरफ आपका इशारा है उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करिए। आप तो 6 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार को यहाँ पर 2.5 साल, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 3.5 साल यहाँ पर हो गए, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अनुसार कोई साजिश हुई है तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन क्या उस पूरी बात से इस पीड़िता के रेप का, उसके मौत का, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से उसका दाह संस्कार, तथा कथित दाह संस्कार हुआ, उसका कोई लेना देना है? इस बात का जवाब दे योगी सरकार, और इस बात का जवाब दे कि आजाद हिंदुस्तान में कभी भी विपक्ष को कहीं जाने से रोका गया है? आप इधर उधर की बातें उठाते, मीडिया को पर लाठियां बरसाई गई है चीजों को रिपोर्ट करने के लिए, ये सिर्फ इधर उधर की बातें, उलझनूर की बातें करके माहौल को खुद विषाक्त करने की बात कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट की बात करते हैं, 3 और 4 तारीख को वेबसाइट मिली, आपकी पुलिस जिसको कभी कुछ पता नहीं चलता है एक दिन में वेबसाइट ढूंढ लेती है, उसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, वो बंद हो जाती है, लेकिन उसका आपको पता चल जाता है, और बाकी सब मामलों में आप मूक दर्शक बने रहते हैं। तो ये दूसरों की आंख में आंधी झोंकना और धूल झोंकना बंद करें, क्योंकि आपकी असलियत अब दुनिया जान चुकी है। जो जातिगत हमलों की आप बात कर रहे हैं, जातिगत हिंसा की बात कर रहे हैं, ये फिर से तरीका है ध्यान बांटने का, लेकिन ध्यान बटेगा नहीं। मैडम, 3 दिन पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद ने स्टेटमेंट दिया है, जरा फिर उनका नाम बता सकते हैं, कि हाथरस में राजनीतिक रचना रचने के बाद भाई बहन वहां पहुंचे और इन भाई बहनों ने पूरे उत्तर प्रदेश को दंगों की राजनीति में झोंकने का काम। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं शायद राज्यसभा से, आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मैं पूछना चाहती हूँ कि राजनीतिकरण अगर बलात्कार का किसी ने किया है
वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है और ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था, वोट डालने से पहले निर्भया को जरा याद कर लें। आज राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से सांसद थे, प्रियंका गांधी जी आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, महासचिव है, वो दोनों ही राहुल गांधी सांसद नहीं है, सांसद थे उन्होंने बोला है, सुना नहीं आपको? उत्तर प्रदेश से तो नाता पुराना है, वर्तमान में सांसद है। और सबसे प्रमुख बात ये है कि लोकतंत्र में ऑपोजिशन लीडर्स का हक होता है, जहां किसी भी तरह की मुसीबत या अन्याय देश में हो रहा है, ये हमारा राजधर्म है वहां जाना। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी तो वो प्रधानमंत्री है जब ताज, मुंबई के ताज में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहां पर भी वो शेरवानी लगा के चले गए थे पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मुंबई में। तो जो नाटक, जो ड्रामा किंग है, ड्रामा किंग जिस पार्टी से आते हैं वो हमें ना बताए कि राजनीतिकरण। और मैं ये कहती हूं कि देश भर में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के हथरस गाने से देश भर में जो हमने रिएक्शन देखा है, सबने कहा है कि ऑपोजिशन होने के नाते ये सही कदम था, ये हमारा कर्तव्य था और हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं घूमेंगे। मैडम, पीड़िता जो है दलित समुदाय से आती, उनका रुख साफ नहीं हुआ, इस पर कटुकर विरोध उन्होंने किया था, सरकार हिंदुओं को बोला और कांग्रेस पार्टी ने भी मायावती को आड़े हाथ नहीं लिया, क्या वजह है? मैं इस पर कुछ बोलूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि मोना जी इसका विस्तृत जवाब दें। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो जो अघोषित प्रवक्ता भाजपा की बनी हुई है, वो तो उनको जनता ही याद दिलाएगी कि ऐसा करके उनका क्या हश्र होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस पर राजनीतिक रंग, इस पर दलगत राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसकी भर्त्सना करना मायावती जी को पहले चाहिए था, लेकिन वो भाजपा के हाथों की कठपुतली बने रहना उन्होंने ज्यादा पसंद किया और अब बोल रही है जब शायद इस मामले में उनके बोलने में बहुत देर हो चुकी है। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के सुप्रीमो जितने भी हैं उनका भी मायावती जी के ऊपर कोई बयान नहीं आया इस तरीके से? तो ये मायावती बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है भाई, ये पीड़िता के हक की लड़ाई है, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल पीड़िता के हक की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ साइड रखा जा रहा है क्या? ये कैसा सवाल है, क्यों हम उनको सेफ साइड रखेंगे? हम पीड़िता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर उतर के लड़ रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। मैं अपने साथी से ये कहना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश किसी भी बेटी के साथ गलत कर रही है, मैं तो उन्नाव भी गई थी, मैं बलरामपुर भी गई, कानपुर भी गई, आजमगढ़ भी गई, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहे वो जिस धर्म की बेटी हो, जिस जात की बेटी हो, जिस बिरादरी की बेटी हो, उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश की बेटी है। अगर वो पीड़ित है तो उसकी जात, धर्म और बिरादरी देख करके कांग्रेस पार्टी उसके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ती। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ दल ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जात और धर्म और बिरादरी देख करके राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हर बेटी बेटी है। और जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है वैसे मौका आपको नहीं मिलेगा, पर अगर कभी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइएगा तो मेरी तरफ से ये सवाल उनसे ज़्यादा पर जिलाधिकारी का लगातार वीडियो वायरल हुआ, लगातार ये बात सामने आई कि परिवार को धमकाया, लेकिन अभी तक उस जिलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये है कि जो IAS संघ जो है उसमें खासा नाराजगी देखी गई, क्या यही कारण है कि उनको अभी तक निलंबित नहीं किया गया? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जिस की शुरू से ये मांग रही है और उस परिवार की भी जो 5 मांगे उन्होंने रखी थी, उसमें दूसरे नंबर पे यही मांग थी कि तत्काल जिलाधिकारी को वहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत लंबे समय से कवर करते आए, क्या
बिना डीएम की परमिशन के रात में हो सकती है सूर्य से, मुझे ये बता दी, नहीं समझ। इसके लिए जिलाधिकारी की परमिशन चाहिए होगी, इसका मतलब जिलाधिकारी ने परमिशन दी, किस दबाव में जिलाधिकारी ने परमिशन दी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बाद जितने वीडियो जारी हुए, जहाँ पे यहाँ तक आरोप लगा कि उन्होंने परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को सीने में लात तक मारी, दबाव बनाया परिवार पे, यहाँ तक कहा है कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगी, हम ही आपके साथ रहेंगे, इतनी बयानों के बाद भी आखिर उस जिलाधिकारी को, जो उस जिले का मुखिया था, प्रशासनिक मुखिया था, उसको क्यों बचाने का प्रयास कर रही है सर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।